बारिश का मौसम सिर्फ किसानों के लिए, उनकी फसलों के लिए या हमें गर्मी से बचाने मात्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। हमारे वेद पुराण शास्त्रों में बारिश के पानी को बहुत महत्वता दी गई है। बारिश का पानी जिस तरह से हमारी फसलों को, हमारे पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को एक अमृत तत्व प्रदान करता है, इसी प्रकार से यदि आपकी जन्म कुंडली में कुछ खास विशेष ग्रहों के योग हों तो आप यदि बारिश के पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आप न सिर्फ कर्जों से, बीमारियों से, आर्थिक संकटों से आप बाहर आते हैं, बल्कि आपके घर के अंदर सुख समृद्धि के नए नए रास्ते भी खुल सकते हैं। कौन से वो ग्रहों के हालात होते हैं जिनको समझ करके आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर वो उपाय करेंगे और आपको महसूस होगा कि हाँ, आपको इसका रिजल्ट बेहतर मिल रहा है पहले से। सबसे पहले मैं बात करूंगा जन्म कुंडली में केतु चौथे घर में बैठे हों तो इस प्रकार से, और संतान सुख में समस्याएं आ रही हों, माँ की सेहत खराब रहती हो, पत्नी की सेहत खराब रहती हो, घर के अंदर पढ़ाई लिखाई का सुख किसी प्रकार से ना बन पाता हो, या किसी बच्चे की जन्म कुंडली में केतु देव इस प्रकार से चौथे भाव में बैठे हैं और वो बच्चा पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान ही नहीं दे रहा, आपके कोई रुपए पैसे और प्रॉपर्टी से संबंधित या वाहन से संबंधित कोई मामला आपका फंसा हुआ है, या आप वाहन खरीदना चाहते हैं, आपके सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप पीतल का बर्तन लेकर के, आप कोई भी पीतल का बर्तन ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए आपकी जन्म कुंडली में केतु चौथे घर में ही हो, बारिश का पानी उसके अंदर भर के चांदी के 4 चकोर टुकड़े डाल करके आप उसे घर में ता उम्र के लिए संभाल कर रख ले। आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु का जो अशुभ फल चंद्रमा के फल को खराब कर रहा होगा, वो आपकी जन्म कुंडली में अब वरदान स्वरूप आपको अच्छा फल देने लग जाएगा। अब दूसरा उपाय, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव इस प्रकार से 8वें स्थान में बैठे हैं, पैदाइश के दिन से ही यानी जन्म के दिन से ही आपके घर में पैसे की बहुत किल्लत हो गई है, घर की स्त्रियों को, माँ नानी दादी को सेहत की दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही हों, पढ़ाई लिखाई का सुख किसी को भी नहीं मिल पा रहा है, घर के अंदर कलह कलेश इतना हो गया है कि समझ में नहीं आता कि घर में रहें या घर छोड़कर कहीं भाग जाएं, मन में हमेशा डर लगा रहता है किसी न किसी प्रकार के अनहोनी होने का, जिस किसी को पैसा दे दिया वो पैसा वापस नहीं आता, और अपना पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो कोई आपको पैसा देना नहीं चाहता, सब आपसे मुफ्त में ही काम चाहते हैं, और आपके घर में आए दिन यदि किसी न किसी प्रकार से पैसे का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता हो, चाहे वो बीमारी पर हो या पढ़ाई पर लगाया पैसा हो, किसी को दिया हुआ पैसा हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप क्या करें? सबसे पहला उपाय इस परिस्थिति में यही करना है कि बारिश में जरूर नहाया करें, सेहत का ध्यान रख करके यदि आप बारिश में नहाएंगे तो आप ये ध्यान रखिए आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर आए हुए चंद्रदेव आपको अच्छा फल देते हैं। नंबर दो उपाय, बारिश का पानी किसी भी कांच की बोतल में भर करके आप इकट्ठा कर लीजिए और आप इसे अपने घर में संभाल करके रखिए। ध्यान रखिए बोतल पे अच्छे से ढक्कन लगा करके रखिएगा, जितना आपके घर में बारिश का पानी इकट्ठा होगा आपके घर में यकीन मानिए चंद्रदेव उतना ही आपको अच्छा फल देंगे। इसके बाद नंबर तीन उपाय, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव इस प्रकार से 12वें स्थान में बैठे हैं और आपके साथ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि आपके घर के जो खर्चे हैं और जो पैसे के नुकसान हैं वो कभी टिकने का नाम ही नहीं ले रहे, पैसा बाद में कमाते हैं, नुकसान पहले तैयार हो जाता है या एक्सपेंसेस आपके पहले तैयार हो जाते हैं, और जिस किसी को पैसा दिया वो आपसे आज पैसा देने के नाम पर आपसे रिश्ते तक खराब करके बैठ गया, लेकिन आपका पैसा देने का नाम नहीं ले रहा और उसके पास देने की क्षमता भी है फिर भी आपका पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इसका उपाय क्या करें? आप भी बारिश का पानी कांच की बोतल में भरकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इकट्ठा कर सकें, कांच की बोतल में भर करके आप इसे अपने घर की छत पर या अपने घर की बालकनी में, यदि आपके पास छत नहीं है और बालकनी नहीं है तो आप अपने घर में
कहीं ऊंची अलमारी के ऊपर इस बोतल को भर के रख दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ढक्कन लगा के रखिएगा, क्योंकि कई बार मौसम की वजह से अन्य बीमारियां, जिनसे पानी से भी जो बीमारियां पैदा हो सकती हैं, वो बीमारियां पैदा ना हो, कोई मच्छर वगैरह पैदा ना हो, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्या उपाय करें, बारिश के पानी में चंद्रमा जिन लोगों की जन्म कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में, बारहवें स्थान में बैठे हैं, उनको बारिश के पानी में जरूर नहाना चाहिए। जब भी बारिश हो, छींटे जरूर चाहे पड़ जाएं, या फिर अगर बारिश में नहीं नहा पाते तो आप कहीं ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ पर खुले में, स्विमिंग पूल वगैरह में आप पानी को अच्छे से इंजॉय कर सकें। वाटर पार्क्स वगैरह आपको जरूर जाना चाहिए यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रदेव कमजोर बैठे हुए हैं तो। वहां जा करके आप अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ आप इंजॉय करते हैं, या आप बारिश में अकेले ही नहाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सेहत का ध्यान रखते हुए मैं बार बार ये चेतावनी दे रहा हूँ, ध्यान रखते हुए यदि नहाते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र का बहुत शुभ फल होगा और आप महसूस करेंगे आप पहले से ज़्यादा अपनी लाइफ में अवेक हो चुके हैं, आपको अवेकन आ चुकी है, आपके अंदर जागरूकता आ चुकी है और आप पहले से, आपके अंदर नॉलेज बहुत अच्छी आ गई है। नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आप ये जब भी मानसून आए आप 3 दिन लगातार नहा करके देखिएगा, रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। मैं ऐसे ही कोई आपको उपाय नहीं देता, पूरे 18-20 साल के अनुभव के आधार पर उपाय देता हूँ, जो मैंने 8 से 10 लाख जन्म कुंडलियाँ देखी हैं, लोगों को उपाय दिए हैं, लोगों को रिजल्ट्स मिले, उन लोगों के फीडबैक रिजल्ट्स जो रेमेडीज के होते हैं, मैं आपको वो उपाय देता हूँ जो मैंने खुद अनुभव लिए हैं, उपाय करके वो उपाय मैं आपको देता हूँ। और मेरा मानना ये है कि यदि आप सुखी हैं तो मैं सुखी हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ बहुत नॉलेजफुल, बहुत काम की, बहुत ज़रूरी वीडियोज़ और उपाय ही देता हूँ आपको। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। और आपसे मिलने मैं मुंबई भी आता हूँ, आप मुझसे मुंबई का अपॉइंटमेंट हर महीने आता हूँ, आप मुझसे वहाँ भी मिल सकते हैं। चलते चलते आपको चंद्रदेव का एक उपाय और दे देता हूँ, जैसा कि मेरी आदत है आपको आखिरी में एक टिप जरूर देता जाऊँ। आप यदि बारिश का पानी किसी सूरत में इकट्ठा नहीं कर सकते तो जैसे ही आपके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो, आप चांदी का सामान खरीद लीजिए, चांदी के कॉइन्स खरीद लीजिए, और जो भी खरीदे वो शुद्धता का खरीदे, यानी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्योरिटी हो, तो आपको भी चंद्रमा का शुभ फल जरूर मिलेगा। जय माता।